अभी उससे जाके पूछो, अभी तो आप गाली दे रहे हो ना माँ बाप को इस तरह, उससे जाके पूछो जिसका माँ बाप नहीं है, क्या धचर बीतता होगा उसमें कि काश मेरा भी माँ बाप रहता। और माँ बाप जो काम दो आदमी में नहीं होता वो अकेले कर देती है माँ बाप, क्यों कि मेरा थोड़ा काम आदमी लगेगा, काम ये लगेगा तो थोड़ा मेरा पैसा बचेगा। अभी हम लोग यहाँ से चितरपुर 7 किलोमीटर होता है, लेकिन माँ बाप पैदल आना जाना करते हैं, क्यों मेरा 20 रुपया बचेगा तो मेरा नाती मेरा बेटा के लिए कुछ लेते जा देंगे, किसके लिए सोचते हैं माँ बाप। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जोहार, आप सभी को फिर से स्वागत है बजस गौरी ऑफिशियल में। आप लोग तो जानते ही होंगे कि घर घर की कहानी क्या होता है और क्या होते रहता है, वही कहानी मेरा भी घर में से प्रॉब्लम हो गया है कुछ महीनों से। मैं बता नहीं पाया था क्योंकि उतना लंबा आगे तक अभी बढ़ा नहीं था, और इस महीना जो जनवरी में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बर्दाश्त करने की क्षमता से ही आगे बढ़ चुका है। कभी मैंने सोचा भी नहीं था अपने बीबी के चलते अपने भाई बदल जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन कुछ ही महीनों में अपने बीबी बाबू सोना करके फुला देती है भैया, आगे बढ़ जाता है। भैया ऐसे ऐसे कॉल करके क्यों बोलते हो, बोलना सीधा हमको बोलो ना, माँ बाप को क्यों बोलते हैं ऐसे लाज शर्म ये वो, बाबू सोना कह के फुला देते उसका मतलब कुछ भी बोल दोगे। कभी सच्चाई जानो, बीबी का गलत है कि माँ बाप का गलत है, शादी नहीं करने से कि 4 दिन बाबू सोना कर दे तो वो हो गई अपने, और माँ अपने 9 महीना पेट में रख के इतना बड़ा किया, इतना पाला पोसा 20 साल से, तो आज वो भूल गए ना, लाज शर्म कह के कुछ भी पूरा दोगे माँ बाप को। वही 5 साल शादी किया हुआ नहीं हुआ तो माँ बाप 15 साल तुम्हें छोटा से बड़ा किया, वो सबको 5 मिनट में भूल गए हो, भूलना तो उसको भूलो ना जो बाबू सोना खा के फुला देती है और झूठे झूठे बहका देती है, भूलना तो उससे भूलो, उससे सच्चाई जानने कोशिश करो कि कौन है गलत कौन है सही, उसको क्यों नहीं जानते हो। कभी उसको भी बात पर गौर करो, माँ बाप को भी बात में गौर करो, दोनों को मिलाओ सही गलत किसका है गलत किसका है, उसके बाद आगे बोलो। बाबू सोना कह के कुछ भी फुला देती है, बस उधर से कॉल करके बोलना स्टार्ट कर देते हो। और एक बात ये क्या होता है कि छोटा भाई को पैसा देते रहता है, बड़ा भाई को क्यों नहीं देता है, तो बड़ा भाई कमाता है अपना खाता में रखता है, छोटा भाई कमाता है अपने माँ बाप के खाता में डालता है, तो घटेगा तो माँ बाप ही ना देगा, तो फिर बड़े लोग जब देख के जलते क्यों हैं। आप भी डालो, कमाओ माँ बाप के खाता में डालो, आपको घटेगा उस टाइम 2000 की जरूरत है आपको तो उसके आपके 1000 दिए तो माँ बाप 2000 रुपया कहीं से एडजस्ट करके देंगे, देंगे कि नहीं आप ही लोग कमेंट करके बताइए। आखिर वही वाला अपना खाता में कमाओगे, अपना डालोगे, दोस्तों के साथ पीने खाने मुड़ाओगे तो ही दोस्त को मांगो समय सिरे 2000 रुपया, कभी नहीं देगा, ये हम बॉन्ड में लिखित करके देते हैं, बोल देगा पैसा नहीं है, पैसा के लिए कॉल मत करो, और पीने खाने के लिए भी कॉल करेगा तो उसके साथ चल जाओगे, पी खा के आओगे, हमको बीवी से मतलब है, बाल बच्चा से मतलब है, माए बाप से मतलब नहीं है, 4 दिन बाबू सोना कर देना उसके पीछ में हो गए। वैसे आप लोग भी कभी मत कीजिएगा दोस्त, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन कि आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा, 4 महीना बाबू सोना कर देना, माँ बाप को भूल गए, अपने बीवी को हो गए, पहले सच्चाई जानने कोशिश करो कि है क्या, क्या गलत है क्या सही है, तब तो आगे बोलो। बिना सच्चाई जाने बिना कुछ किए ऐसा तो नहीं होता, माँ बाप का भी बात में गौर करो, बीवी का भी बात में करो, किसका गलत है किसका सही है, पहले मिलाओ, अटपटांग बिना जाने कुछ सुने, कमाते हो माँ बाप को देते नहीं हो, फिर बोलते हैं मेरे ऊपर खर्च नहीं करता है, तो घर में तेल नून कौन चला देता है, ना वो सब मिर्च चलाते हो, अपना पीछे उड़ाते हो, कभी वो सब भी तो सोचा करो कि माँ बाप इतना कमा रहे हैं, पापा 6000 रुपया का काम ही करते हैं मंथली में, तो पैसा तेल नून में ही जाता है, छोटा भाई जो कमाता है वो थोड़ा इधर उधर में खर्चा हो जाता है, मेहमान आया, इलेक्शन आया और कुछ भी आया,
खेती बाड़ी इधर उधर से तो जानबे करते हैं, फायदा नहीं है, वो भी तो तजुर्बा लगाओ। और हम लोग को जो पिछले वीडियो में मेरा घर का जो सीन दिखाए थे 8 रूम का, वो कहाँ से खड़ा हुआ? 70,000 रुपया दे दिए उतने उसी में इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा? आप ही लोग बताइए भाई लोग, 70,000 में बिल्डिंग खड़ा होगा इतना बड़ा? 40x40 स्क्वायर फीट है। तो माँ बाप अपने पूरे ज़िंदगी कमाने में लग दिए, लगा दिए और कमा के इतना बड़ा कर दिए और इतना ज़मीन जायदाद जगह खरीद दिए, किसके लिए किए? हम ही लोग दोनों भाइयों के लिए ना किए? अगर हम ही लोग दोनों भाइयों के लिए किए तो वो तो हम ही लोग का ना होगा, माँ बाप तो लेके नहीं जाएंगे। तो फिर इस तरह क्या बात है माँ बाप को कॉल करना, गाली देना, ऐसे करना, वैसे बोलना, ये अच्छा लगता है? वही बोला भाई पीने के नशा टूटने के बाद भाई बोलता है तो बोलता भाई ऐसे ऐसे बोलता है, तुम पीएल में बोलते, हम नीमत में बोलते हैं, तो फिर बोलता है कि ऐसे ऐसे बोलने लगता है। बोलेंगे नहीं हम पीएल में, अक्सर आदमी को कुछ नहीं बोलते हैं, जी तो मार भी देगा लेकिन अक्सर हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन नशा टूटने के बाद उसको हड्डी तक हम वसूल करते हैं। एक चीज़ मेरा ये लिखित है, पीएल में हम किसी कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा मोहल्ला पूरा गांव में रिकॉर्ड है, पीएल अक्सर आदमी को कुछ बोलता नहीं है। तो ऐसा भी आप लोग भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि शराब पीने के बाद ऐसे माँ बाप को ऐसे अति गाली गलौज मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा करोगे, अति करोगे, केस मुकदमा होगा, किसका पैसा जाएगा? 100 रुपया शराब के चक्कर में इतना नुकसान कभी मत करना। पीना है कंट्रोल में रहो, अपना कैपेसिटी में पियो, अगला आदमी पहचान ना सके। अभी क्या है, 2-4 दिन हुआ नहीं बाबू खाना खाए, कभी अपना माँ बाप को एक गिलास पानी पिलाया है? तो उसमें बोलेगा नहीं। बाबू सुना ले तुरंत, खाना खाई, क्या कर रही है, थोड़ा हार्ड काम नहीं करना? और माँ बाप जो और माँ बाप जो काम दो आदमी में नहीं होता वो अकेले कर देती है माँ बाप। क्यों? मेरा थोड़ा काम आदमी लगेगा, काम ये लगेगा तो थोड़ा मेरा पैसा बचेगा। अभी हम लोग यहाँ से चितरपुर 7 किलोमीटर होता, लेकिन माँ बाप पैदल आना जाना करते हैं। क्यों? मेरा 20 रुपया बचेगा तो मेरा नाती मेरा बेटा के लिए कुछ लेते जा देंगे। किसके लिए सोचते हैं माँ बाप? अपने बेटे अपने नाते पोते अपने पुतों के लिए ना सोचते हैं कि सब सही सलामत रहे, लेकिन बेटा पुतो समझेगी कहाँ से, ना समझेगा। वो सब तो अपना चाहते हैं कि हम जैसा बोलेंगे वैसा मेरा पीछे घर वाला चले, हम जैसा बोलेंगे अपना राजनीतिक चलाएंगे, लेकिन माँ बाप का भी वैसा नहीं होने देगा। माँ बाप का हुकूमत से ही चलेगा घर, घर का मुखिया घर का गार्जियन तो ही ना रहते हैं। तो ऐसा भी आप लोग का भी हाथ जोड़ के निवेदन, ऐसा कभी मत कीजिएगा। माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक माँ बाप को ही गार्जियन बना के रखें और गार्जियन में ही रहें। अभी उससे जाके पूछो, अभी तब गाली दे रहे हो ना माँ बाप को इस तरह, उससे जाके पूछो जिसका माँ बाप नहीं है, क्या धचर बीतता होगा उसमें कि काश मेरा भी माँ बाप रहता। लेकिन आपका रहने के बावजूद भी इस तरह गाली मत दिया करो, इस तरह गाली देते हो ना तो माँ बाप को शोभा नहीं देता। उसी तरह बीबी को गाली दो ना, देना है तो बाबू सोना कह के फुला देते हैं ना, बस माँ बाप को स्टार्ट कर देते हो। वैसा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो जिस दिन हम आ गए ना कैपेसिटी में तो फिर उस दिन समझ लेना क्या धचर होगा। अभी तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कोई सा माँ बाप को गाली ना दे और ना करे, नहीं तो जिस दिन हम आ गए उस दिन समझ लेना केस मुकदमा तक जो भी होगा लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भीख ही मांगेंगे वो सही, लेकिन माँ बाप को इस तरह हम गाली नहीं देने देंगे। अब भीख मांग के खा लेंगे, जमीन जायदाद लेना है ले लो ना, जितना बांटा लेना है, हमको नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप को इसी तरह गाली मत देना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड, खतियानी जोहार।